ऐसा कुछ होगा कि हमें मीका सिंह एंड इतनी ग्रेट कास्ट के साथ काम करने मिलेगा, विच इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें ये चांस मिला. कि खुशी का भी फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इसके साथ भी काम करने मिल रहा है ऑन हर फर्स्ट प्रोजेक्ट. मैं सो एक्साइटेड, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव कम आउट टू सपोर्ट अस, मैं सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. Actually, they were friends with my mom and they wanted two sisters or two people that looked very similar to play the part. And हमें बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत similar दिखते हैं, इसी reason से हमें pitch किया गया and उन्हें हमारा काम पसंद आया, हमारा profile पसंद आया, इसीलिए उन्होंने हमें choose किया. Present the day of the shoot, but like even before the shoot and like when we were shooting, she was constantly messaging us, on call with us, making sure everything was okay. She was giving us like, you know, little tips that we could, that's useful for like the shoot. So she was a very big help. गुड जॉब भी बोलते तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती, बट उन्होंने एक्चुअली हमको बोला कि उनको हमारा काम पसंद आया और उनको लगा कि हम काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं. सो इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग फीलिंग टू हियर दोज थिंग्स फ्रॉम हिम एंड ही इज सो हम्बल. ही यूज्ड टू कम टू अस लाइक यू नो बिटवीन शॉट्स एंड से लाइक यू नो यू आर लाइक डूइंग अ गुड जॉब एंड लाइक चेक इन ऑन अस एंड इट वाज जस्ट वेरी अमेजिंग टू वर्क विद हिम. Fun experience because being on set itself मेरे को बहुत मज़ा आता है, but one memory I have is हमारी जो outfit थी in the music video was very कैसे बोलूँ मैं, हमें बहुत problematic outfit मिला था, but yes by the end of the shoot हमारे पूरे body पे scratches marks ये वो सब था, but it was worth it. आप देखोगे video में वो worth it है definitely. I think one thing that I can remember is shooting those dance steps at 3 in the morning. Yeah. And we were so tired, but like you know, once you get in front of the camera, like your mood changes. Completely. And it was like so new to like both of us to work with such a big crew and the cast. I think मैं थोड़ा frequent हूँ with dance and also मेरा picking up pace was very normal, but actually खुशी का first time था and मैं काफ़ी surprised थी कि वो बहुत जल्दी in comparison pick up कर रही थी, because मैं actually expect नहीं कर रही थी कि वो इतनी quick रहेगी. I think both of us like did it like equally well. They were very supportive. मुझे from the beginning of the shoot मुझे messages आ रहे थे from everybody checking in के सब shoot ठीक चल रहा है, they were wishing me good luck and as you can see यहाँ पे सब present है to obviously support us. इट वॉज़ अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली, बिकॉज मैं जब कार्तिक के साथ शूट कर रही थी हम थ्रू आउट हंस रहे थे और कुछ करने के लिए नहीं था हमारे पास वहाँ पे, सो एवरी टेक दैट वी वर डूइंग हम बस हंसी रहे थे. आई थिंक हार्ड वर्किंग एंड फनी. वैलेंटाइन डे प्लान है कि के लिए लेके जाऊंगी. वी आर ईच अदर्स वैलेंटाइन. अगर मेरे कंट्रोल में होगा डेफिनेटली हो पाएगा, बट ऑफकोर्स हम एक राइट अपॉर्चुनिटी एंड एक राइट गाने के लिए वेट करेंगे डेफिनेटली. समबडी दैट वांट्स टू पिच अस टुगेदर, बट या डेफिनेटली हम एक्साइटेड है उसके लिए. डेफिनेटली काम करना चाहूँगी बिकॉज शूटिंग वॉज अमेजिंग, वी वर ओनली लाफिंग थ्रू आउट, सो काम काम फील ही नहीं होता है. सो डेफिनेटली ऑफकोर्स आई वुड बी एक्साइटेड टू डू अनदर प्रोजेक्ट. आई डोंट थिंक हम कोई ट्रिप प्लान करने वाले हैं इस बार, बिकॉज आपने देखा होगा कि हम बहुत ट्रिप्स कर चुके हैं, तो इस टाइम हम शायद एक अच्छे से डिनर पर जाएंगे और बस.
updates from seeing our videos to following, liking, commenting, sharing everything that you do. I am forever grateful for that. So thank you so much and I love you. Just a very, very big thank you from both of us for supporting us, for commenting things. We're always like, you know, checking up on what people are commenting and so much love that we get. So thank you so much. वैलेंटाइंस डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कपल्स तो साथ जाते ही हैं, इस टाइम आप अपनी गर्लफ्रेंड्स या अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मनाओ. यू कैन टेक योरसेल्फ टू डिनर, व्हाई नॉट. थैंक यू सो मच. प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट.